एक बार भगवान से किसी ने पूछा, सरकार एक बात बताओ, आपको संसार में सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? बोलो राधे राधे। सब कहिए राधे राधे। भगवान क्या कह रहे हैं? बोले ना तथावे प्रियतमे। उद्धव जी ने पूछा, सरकार आपको सबसे ज्यादा प्यारा कौन लगता है? जैसे हम लोग पूछते हैं ना, आपको क्या अच्छा लगता है? तो भगवान पता क्या कह रहे हैं? बोले मेरा ही बेटे हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा जी भगवान के बेटे हैं, उनको कहते हैं आत्मयोनी। बोले ब्रह्मा मुझे उतने प्यारे नहीं लगते। बोलो राधे राधे। सरकार ब्रह्मा जी से प्रेम नहीं करते, शंकर जी से तो करते होंगे। आत्मयोनिर् न शंकर। करता हूं, प्रेम करता हूं, पर उतना नहीं करता। अच्छा, शंकर जी से नहीं करते तो शंकर शरण आपके भैया, आप उनसे तो करते होंगे। बोले नच शंकर शरणो। मैं बलराम जी से भी इतना प्रेम नहीं करता। तो सरकार अपनी पत्नी से तो सब कोई प्रेम करता है। ठाकुर जी कहते हैं ना श्री, मैं लक्ष्मी से भी इतना प्रेम नहीं करता। तो सरकार अपने आपे से करते होंगे। भाई संसार में आदमी अपने आपे से प्रेम करता है। ठाकुर जी कहते हैं नहीं महात्मा, मैं अपने आपे से भी इतना प्रेम नहीं करता। तो उद्धव ने पूछा, सरकार आप किससे प्रेम करते हैं? भगवान कहते हैं उद्धव, जितना मैं अपने भक्तों से प्यार करता हूं, उतना प्यार संसार में मैं किसी से नहीं करता। निरपेक्षम मुनिम शांतम। भगवान कह रहे हैं कितनी अद्भुत बात है ये, इन सबको मंत्र मान लेना चाहिए। निरपेक्षम मुनिम शांतम निरभैरम समदर्शनम अनुप्रजाम्यहम नित्यम पोये यत्यंग्ररेणु। ठाकुर जी कहते हैं मैं तो अपने भक्त के पीछे पीछे चलता हूं। बोले पीछे पीछे क्यों? उसके चलने से जो धूल उड़ती है उसको मैं अपने मस्तक पर धारण कर लेता हूं और मैं भी परम पवित्र हो जाता हूं। इसलिए भैया गीता का 12वां अध्याय पढ़िए, भक्ति योग, पता चलेगा भक्त कैसा होता है। कल्ल निंदा स्थिर मौनी संतुष्टो ये न के नचित अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नराह यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति सुभासु परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय। ये भक्त के लक्षण है सारे। अनपेक्ष स्थिर दक्ष उदासीन गतव्य। ये भक्त की विशेषता है सारी। भक्त ऐसा होना चाहिए। अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले।